Assalamualaikum dear students, welcome to Christian Public High School of College System Ski. Dear students, आज 10th class mathematics lecture number 44 chapter number 02 exercise 2.6 question हमारे पास है 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल एक्स क्यू प्लस टू पी एक्स प्लस थ्री क्यू एक्स प्लस सिक्स. ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है. वहां पे हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करना था, इधर हमें P and Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है. कब? जब x प्लस टू और x माइनस टू इसके फैक्टर्स हो. इसका मतलब अगर x प्लस टू और x माइनस वन पर इस वैल्यू को डिवाइड करोगे, इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. वो कह रहा है रिमाइंडर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी रिमाइंडर जीरो होगा क्योंकि वो वैल्यू इसका फैक्टर है. तो बताओ P and Q के किस चीज के इक्वल होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. जाके सॉल्यूशन की जान सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2p है. उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 3q है. उसके बाद 6. फिर इसको हम सबसे पहले एक्स प्लस टू पे डिवाइड करेंगे. हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, इधर हम राइट करेंगे कि x प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू माइनस टू, यानी हमने इसको माइनस टू पे डिवाइड कर लिया. और डिवाइड करने का तरीका क्या है, पहले कोएफिशिएंट को एज इट इज लिखते हैं, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टू 2p माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू माइनस 4p माइनस 4p और प्लस 4. इसको इधर लाओगे 3q माइनस 4p प्लस 4, फिर इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3q माइनस 6q माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4p प्लस 8p माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 माइनस 8. अब इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले पॉजिटिव वाले को लिखूंगा 8p, फिर माइनस 6q माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, हमारे पास ये आया रिमाइंडर. अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, जीरो है. तो हम लिखते हैं इसको 8p माइनस 6q माइनस 2 इक्वल टू जीरो. इसको इक्वेशन 1 का नाम है. नाउ वंस अगेन लेट करना पड़ेगा, वंस अगेन लेट x
x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन, ठीक। अब इसी को उठाएंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, आगे कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, वन कोएफिशिएंट है, टू पी कोएफिशिएंट, थ्री क्यू एक्स का कोएफिशिएंट और सिक्स, इस दफा डिवाइड करेंगे किस वैल्यू से, वन से डिवाइड करेंगे, तो वन को इधर लिखेंगे वन, ये पहला वन, पहला वैल्यू ऐसे चीज आएगा वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करो फिर वन, फिर क्या होगा टू पी प्लस वन, फिर वन को इसे मल्टीप्लाई करो यही चीज टू पी प्लस वन आएगा, फिर इनको प्लस करोगे टू पी प्लस थ्री क्यू प्लस वन, फिर क्या होगा इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2p प्लस थ्री क्यू प्लस वन, फिर इसको इसी तरह लिखेंगे 2p प्लस थ्री क्यू प्लस वन प्लस सिक्स, प्लस वन प्लस सिक्स प्लस सेवन लिखते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, दूसरा इक्वेशन हमारे पास आएगा 2p प्लस थ्री क्यू प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन टू का नाम देते, अब हम चाहते हैं कि यहां से पहले p या q का वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन p एंड q का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या तो पहले p को खत्म करना पड़ेगा या तो q को, तो मैं चाहता हूं पहले q को खत्म करूं, लेकिन इधर 6q है इधर 3q है, मुझे पहले इसको 6q बनाना पड़ेगा, प्लस 6q माइनस 6q से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको 6q बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि इक्वेशन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, क्या लिखा, इक्वेशन 1 को लिखूंगा फिर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर इक्वेशन 1 के साथ प्लस करूंगा, तो करते हैं इसको, पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं 8p माइनस 6q माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर इसको लिखते हैं 2 को इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा 2 टू 4p 6q 14 इक्वल टू 0, अब क्या होगा 4p प्लस 8p 12p, और ये चूंकि प्लस में प्लस प्लस 6q माइनस 6q कैंसिल, और ये क्या आया प्लस 12 इक्वल टू 0, 12 को उधर शिफ्ट करो 12p इज इक्वल टू माइनस 12, p इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइड बाय 12, p इज इक्वल टू माइनस 1, p का वैल्यू माइनस 1 आया। अब मैंने पहले भी कहा कि जिस चीज का मतलब p का वैल्यू आया तो p के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो q का आएगा, अगर q का आया तो q का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो तो p का आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे पुट p इज इक्वल टू आपका मर्जी है 1 में करो या 2 में, पुट p इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में जी, फिर क्या होगा माइनस 1 अगर आप इधर पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 3 क्यू प्लस 7 इक्वल टू 0, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 प्लस 3 क्यू प्लस 7 इक्वल टू 0, अब प्लस 7 से माइनस 2 निकालो क्या होगा 3 क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0,
थ्री क्यू इज इक्वल टू फाइव उधर गया माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन थ्री। हमारे पास दो वैल्यूज आ गए सॉल्यूशन सेट माइनस वन माइनस फाइव अपॉन थ्री, ये हमारे पास आंसर है पी एन क्यू के जो हमारे पास आंसर है वो एक माइनस वन है और माइनस फाइव अपॉन थ्री है। लेट्स चेक कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। बिल्कुल सही, p का वैल्यू हमारे पास आया माइनस वन और q का वैल्यू आया हमारे पास माइनस फाइव अपॉन थ्री, यही आंसर है। अभी आपका उम्र क्या है, आप इस क्वेश्चन को वापस एक दफा प्रैक्टिस करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। फॉर नाउ इट इज एनफ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।